आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, सात क्रमागत यानी लगातार संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? बोला यदि पहली पांच संख्याओं का औसत z है तो अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना संख्या? सात संख्या। कौन सा संख्या सात है? नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ x के रूप में मानेंगे भी और z के रूप में औसत भी दे रहा है, तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, खुद के द्वारा कोई सात संख्या लेंगे, लेकिन कैसा? क्रमागत यानी लगातार कोई संख्या होना चाहिए जो खुद के द्वारा मानेंगे हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा। तो मान लिया कि पहला संख्या वन है तो दूसरा क्या होगा? दो। उसी तरह से टोटल कितना? सात। तो दो तीन चार पांच छः और सात, टोटल सात संख्या था, सात हम लोग खुद से मान लिए। अब क्या बोल रहा है? पहली पांच संख्या का औसत जेड है, यानी हम लोग जो माने हैं उस पहले पांच का औसत निकालेंगे। तो पहला पांच यानी पहले से काउंट करते हुए पांच तक आएंगे तो पहला पांच हो जाएगा। अब जब हम लोग का संख्या एक से सात तक क्या है? रेगुलर है यानी क्रमागत है, तो क्रमागत में बीच वाला संख्या ही हम लोग का क्या होता है? क्रमागत का मतलब सभी के बीच का गैप समान होना चाहिए। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, सबका गैप समान है तो बीच वाला संख्या क्या होगा? हम लोग का औसत हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पहले पांच का औसत कितना? जेड। यानी हम लोग का तो आया तीन, लेकिन ये बोल रहा है कि एक्यूरेट आपको हम जेड दे रहे हैं, तीन मानने से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग तो जो माने उससे चलेंगे और इसका भी लेकर चलेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अंतिम तीन कौन है? एक दो तीन, यानी पांच से सात। तो पांच से सात का औसत क्या होगा? तो पांच से सात, पांच छह सात, तीन संख्या, तीनों क्या है? क्रमागत है यानी रेगुलर है, तो बीच वाला ही संख्या क्या होगा हम लोग का? औसत होगा। बीच वाला संख्या औसत होगा, लेकिन इसका तो औसत जेड के रूप में आना चाहिए, तो इस जेड को उठाकर रख देंगे। लेकिन जेड क्या, उसमें कुछ न कुछ प्लस या माइनस होगा, तो कितना होगा? तो यहाँ भी जेड लिए, यहाँ भी जेड लिए, तो यहाँ तीन था हम लोग का औसत, तीन से छह हो गया, कितना बढ़ा? तीन बढ़ गया। यानी हम लोग का औसत पहले कितना था? तीन। तीन से हो गया कितना? छह, यानी तीन बढ़ गया। तो ये जेड था, तो जेड में कितना बढ़ जाएगा? जेड में तीन बढ़ जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा इसका? जेड प्लस थ्री। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जेड प्लस थ्री, अंतिम तीन संख्याओं का औसत। अब ऐसा नहीं है कि वन टू थ्री फोर माने हैं इसलिए ऐसा आया कि तीन बढ़ गया। इसके जगह आप कोई भी संख्या मान लीजिए। कोई भी संख्या मतलब मान लीजिए कि पहला संख्या हम लोग तेरह ले लेते हैं, ये तो खुद से मान लिए हैं। तो तेरह के बाद टोटल सात संख्या ले लेंगे लगातार, तो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, टोटल गिन लेते हैं सात है कि नहीं, एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल सात संख्या आ गया। क्या बोला था? पहली पांच का औसत जेड, तो पहला पांच संख्या उठाएंगे हम लोग, तो पहला पांच कौन हो जाएगा हम लोग का? यहाँ तक सत्रह तक, एक दो तीन चार पांच, पहला पांच हो गया। अब पहला पांच का औसत जेड दे रहा है, लेकिन हम लोग का पहला पांच का औसत क्या होगा? बीच वाला संख्या ही हम लोग का क्या होगा? औसत होगा, क्योंकि लगातार संख्या, लगातार में बीच वाला ही संख्या हम लोग का औसत कहलाता है। तो तेरह से स्टार्ट किए थे सत्रह तक, तेरह और सत्रह के एकदम बीच में हम लोग का पंद्रह है, यानी हम लोग का औसत पंद्रह आया, लेकिन ये बोल रहा है कि जेड है। ठीक है भाई, जेड है। अब क्या बोल रहा है? अंतिम तीन का औसत। तो अंतिम तीन का औसत, अंतिम तीन संख्या कौन? उन्नीस अठारह सत्रह, यही अंतिम तीन संख्या है। तो अंतिम तीन का औसत ज्ञात करना है। अब यहाँ अंतिम तीन का औसत ज्ञात करेंगे हम लोग, तो सत्रह अठारह उन्नीस लगातार है, तो लगातार में क्या होता है? बीच वाला संख्या हम लोग का क्या होगा? औसत होगा। तो सत्रह और
19 के बीच में कौन है, 18 है। हम लोग का औसत कितना आया, 18। लेकिन इसका औसत किसमें होना चाहिए, जेड के रूप में होना चाहिए। तो कितना आएगा, यहां देखिए अब 15 से 18 पर आने के लिए कितना बढ़ना होगा, 3 बढ़ा तो जेड से इस जेड को कितना होना होगा, ये भी 3 बढ़ जाएगा। यानी संख्या कुछ भी हम लोग माने, बढ़ोतरी 3 का ही होगा। तो ये जेड प्लस 3 हम लोग का क्या होगा, औसत आ जाएगा, जो कि आ चुका है। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, मतलब 5 लगातार संख्या होना चाहिए, लेकिन कैसा, 5ों सम संख्या होना चाहिए, बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में। 5 लगातार संख्याओं का औसत 10 है, तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते मतलब छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेगा, व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बीच का संख्या क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो बीच का संख्या क्या होता है, औसत का मतलब ही होता है बीच का संख्या। औसत मतलब माध्य, माध्य मतलब बीच का संख्या। यानी बीच का संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा आंसर। ऐसा क्यों, हम लोग एक्स मानकर इसको बना करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए कितना संख्या है, 5 सम संख्या। तो मान लीजिए कि यदि हम लोग का पहला सम संख्या एक्स है, तो इसके बाद का सम संख्या क्या होगा, एक्स प्लस 2। ऐसा क्यों, क्योंकि दो सम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है, 2 का। तो पहला एक्स माने तो दूसरा एक्स प्लस 2 ही लेंगे, और इसके बाद हर बार 2 बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला हम लोग का सम संख्या 4 है, तो इसके बाद का सम संख्या क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 के बाद क्या मिलेगा, 8। 8 के बाद क्या मिलेगा, 10। सभी के बीच में गैप देखिए कितना है, 2 का। यानी हर बार कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ता है। तो सम या विषम में हर बार 2 बढ़ते जाता है। तो सम बोलेगा या विषम बोलेगा, लगातार सम संख्या हम लोग लेंगे या लगातार विषम, तो जो पहला संख्या मानेंगे उसके बाद हर बार क्या करेंगे हम लोग, 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। यानी 2 संख्या आ गया हम लोग का, तो तीसरा संख्या क्या होगा, फिर 2 जोड़ेंगे, 4। इसके बाद का संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ लेंगे, 6। और फिर इसमें 2 जोड़ लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 8। टोटल 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 बोल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हम लोग का आ चुका है। ये क्या दे रहा है, 5ों का औसत ना। तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत यदि दिया हुआ है तो हम लोग योग निकाल सकते हैं। योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू संख्या। औसत कितना दिया, 10, और संख्या कितना है, टोटल 5। तो योग कितना हो जाना चाहिए, 50। ये कहीं नया नहीं है, ये नया फॉर्मूला नहीं आया है, इसको हम लोग याद कर चुके हैं। क्यों, औसत बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि योग बट्टा संख्या होता है, और इसी संख्या को यहां से हटा करके क्रॉस गुना किए तो कहां आ गया, इसके साथ, तब हो गया योग बराबर औसत इंटू संख्या। फायदा ये होगा कि जब योग का यहां निकाल लिए तो इसको भी हम लोग योग निकाल लेंगे इसका, और दोनों को बराबर कर लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1x 2x 3x 4x 5x, टोटल कितना x, 5। लेकिन संख्या भी तो है, तो 2 4 6 6 12 8 20, टोटल कितना आ गया योग, 5x+20। लेकिन टोटल योग आना कितना चाहिए, 50। तो ये भी योग है और ये भी योग है उसी संख्या का, तो बराबर कर देंगे हम लोग 50। इस 20 को यहां से हटाएंगे तो साइड चेंज होगा, तो हो जाएगा -20। यानी 50 में से घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। किसका मान, 5x का मान, 5 6 30। x का मान कितना आ गया, 6। क्या बोल रहा था, मध्य स्थान पर यानी बीच में कौन होगा, तो 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे, बीच में क्या मिला, x+4। तो x+4 का मान कितना, x का मान 6,
और प्लस में चार तो हो जाएगा छह चार दस, बीच का संख्या कितना आ गया, दस आ गया ना, हो गया हम लोग का। यानी कि ये यदि याद नहीं रहेगा तो आपको बाय प्रोसेस बनाना होगा, लंबा जाएगा लेकिन आंसर तो आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत k है, यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमागत संख्या को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत क्या होगा। पहले तीन क्रमागत संख्या था यानी तीन लगातार संख्या का औसत k दे रहा है, बोल रहा है कि अब क्या किया गया कि तीन संख्या में, उसी तीन संख्या में तीसरे संख्या के बाद चौथा और पांचवा उसी अनुक्रम में ले लिया गया, तो टोटल कितना हो गया, पांच हो गया, तो उस पांचों संख्या का औसत क्या होगा ये ज्ञात कीजिए आप। तो क्या करेंगे हम लोग, अनुक्रम का बात कर रहा है तो लगातार कोई भी संख्या अपने मन से हम लोग ले लेंगे, तो मान लिया कि पहला संख्या एक है तो दूसरा दो हो जाएगा, तीसरा तीन हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तीनों का औसत कितना है के, यदि हम लोग तीनों का निकालेंगे तो एक से तीन तक लगातार है तो बीच वाला संख्या हम लोग के द्वारा औसत आएगा, तो हम लोग का औसत तो दो आया लेकिन ये बोल रहा है कि कितना आना चाहिए, के आना चाहिए, यानी दो का मान के हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दो और क्रमागत संख्या को इसमें शामिल कर लिया गया लेकिन इसी क्रम में, इसी क्रम का मतलब तीन के बाद का संख्या कितना होगा चार और इसके बाद का संख्या पांच, टोटल संख्या कितना हो गया, टोटल संख्या हम लोग का हो गया पांच। अब टोटल संख्या पांच हो गया तो पांचों का औसत निकालना है, तो एक से पांच तक की संख्या का औसत क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब अनुक्रम में होता है यानी क्रमागत होता है तो एक से पांच तक के बीच में जो संख्या मिलेगा वही क्या होगा हम लोग का औसत होगा, तो एक से पांच तक के बीच में कौन संख्या मिल रहा है तीन, यानी हम लोग का औसत कितना आ गया, तीन आ गया, हम लोग का औसत तीन आ गया लेकिन इसका औसत के रूप में होना चाहिए, तो इस के को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, लेकिन क्या यहाँ के था तो यहाँ भी के होगा, नहीं, कुछ न कुछ तो बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा, तो दो से तीन हो गया, पहला औसत हम लोग का कितना दो, नया वाला औसत तीन आया, तो दो से तीन कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, दो से तीन हुआ एक बढ़ गया, यानी के से ये के कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यानी कि पांचों संख्याओं का औसत कितना होगा के प्लस वन, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के प्लस वन। अब आप क्या कर सकते हैं कि एक दो तीन चार पांच के जगह पर कोई भी लगातार संख्या मान करके बनाइएगा, आपका आंसर इतना ही आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि पांच प्रेक्षण इतना 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 का माध्य 20 है तो पहले दो प्रेक्षण का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले ये 20 जो दे रहा है किसका औसत दे रहा है, इन पांचों का औसत दे रहा है, तो जब औसत दे रहा है तो बार बार क्या करेंगे हम लोग, औसत बराबर नहीं करेंगे, औसत बराबर करने में दिक्कत ये होता है कि औसत का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या, तो ये बटा में संख्या आ जाएगा जो कि प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तो जब माध्य यानी औसत देगा तो हम लोग योग निकाल कर काम करेंगे, और योग बराबर अभी हम लोग पढ़े थे क्या, औसत इंटू संख्या, यानी इस 20 को क्या करेंगे, औसत के रूप में है तो हम लोग योग के रूप में बदल लेंगे, यानी योग कितना हो जाएगा हम लोग का, योग हो जाएगा औसत 20 है कितने संख्या का, तो एक दो तीन चार पांच, पांच संख्या का औसत है तो पांच से गुना करेंगे 100 आ जाएगा, यानी टोटल संख्या का योग कितना होना चाहिए 100, हम लोग क्या करेंगे इन सभी संख्याओं को अब जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेते हैं, पहला संख्या x है, दूसरा x माइनस वन, तीसरा क्या है x माइनस टू, उसी तरह से चौथा x माइनस थ्री और पांचवा है x माइनस फोर, तो एक दो तीन चार पांच, x कितना पांच बार, तो 5x, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे वन टू थ्री, थ्री कितना सिक्स, फोर टेन,
यानी हम लोग का योग तो इतना आया लेकिन यहाँ दे रहा है 100, तो कर सकते हैं इसके बराबर में 100। अब इस 10 को यहाँ से हटाएंगे, माइनस में है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 10, कितना आ जाएगा 110, और ये हो जाएगा 5x। यहाँ 5x बचा हुआ था 10 के बाद, काट देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, x का मान कितना आ गया 22। और x का मान 22 तो क्या बोला, पहले दो प्रेक्षण का माध कितना होगा, तो पहले दो प्रेक्षण का माध का मतलब पहला दो संख्या निकालना होगा, तो पहला संख्या ये दूसरा ये, तो x का मान तो 22 आ चुका है, इसका कितना हो जाएगा, तो x का मान 22, 22 में एक कम कितना 21, और इन दोनों का औसत, और औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों का औसत निकालना यानी दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22 प्लस 21, या यही जोड़ लेते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 1 3, दो संख्या को जोड़ा गया है इसलिए भाग किससे देंगे हम लोग, 2 से देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 2 1 2 2 5 10, औसत कितना हो गया 21.5, यानी माध्य कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 21.5। लेकिन इतना न करके सीधे भी इसको हम लोग बना सकते थे, कैसे, यहां देखिए x दिया हुआ था पहला संख्या, दूसरा में क्या हुआ 1 घट गया, तीसरा में क्या हुआ फिर 1 घटा तो 2 हो गया, फिर इसमें 1 घटाया गया 3 हो गया, फिर इसमें 1 घटाया गया 4 हो गया, यानी हर बार 1-1 घट रहा है, हर बार 1-1 घट रहा है, तो घटने का मतलब क्या हुआ, लगातार घटना या लगातार बढ़ना, लगातार एक ही संख्या घटना और लगातार एक ही संख्या बढ़ना, वो संख्या हम लोग का क्रमागत कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या हम लोग का 10 दिया हुआ था, इसमें 1 घटा दिए 9 हो गया, फिर 1 घटा दिए 8 हो गया, फिर 1 घटा दिए 7 हो गया, 1 घटा दिए 6 हो गया, तो यहाँ से काउंट कीजिए 6 7 8 9 10, लगातार संख्या है कि नहीं, बस हुआ यही कि ये उल्टा सजाया हुआ है, यानी सबसे छोटा संख्या ये होगा, उसके बाद का ये, उसके बाद का ये, लेकिन है तो अनुक्रम में ही, यानी क्रमागत ही है, और जब क्रमागत संख्या होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि बीच वाला औसत होता है, तो दो संख्या इधर छोड़ दिए, दो संख्या इधर छोड़ देंगे, दो संख्या इधर छोड़ देंगे, तो बीच में हम लोग को कौन मिला x-2, तो बीच वाला संख्या ही औसत होता है, तो औसत कितना हो गया x-2 औसत हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि औसत कितना है 20 है, तो ये भी औसत ये भी औसत दोनों को बराबर कर लेंगे, 2 यहाँ से हटेगा इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 22 हो गया, x का मान सीधा 22 आ जाएगा, और x का मान 22 आ गया तो क्या कर लेंगे हम लोग, पहला संख्या 1 यहाँ निकाल लेंगे कि पहला संख्या 1 और x का मान 22, दूसरा संख्या x-1 यानी x का मान 22, तो 22-1 मतलब, तो दूसरा संख्या क्या लिखना है x-1, तो x के जगह 22, तो 22-1 का मतलब 21, और यहाँ निकाल लेंगे 43 दो संख्या था तो दोनों को 2 से भाग दिए, योग को कितना आ गया हम लोग का 21.5, यानी इतना ही में हम लोग का बन जाता। हम लोग का अगला प्रश्न है, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोला, पहला 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं का माध्य पहले निकालिए और उसके बाद फिर पहला 8 अभाज्य संख्या का माध्य का अंतर माध्य निकालिए और माध्य निकालने के बाद दोनों के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो दोनों का अलग अलग माध्य निकालेंगे, तो पहला क्या है 8 भाज्य संख्या, तो 8 भाज्य संख्या कौन कौन, चलो भाई तो सबसे पहला हम लोग का भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे पहला भाज्य संख्या हम लोग का 4 होता है। अब ऐसा नहीं कि बोलिए कि 2 होता है, 2 इसलिए कि 2 1 और 2 से ही कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है, जबकि भाज्य संख्या का मतलब है कि कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, यानी 3 संख्या से कटना चाहिए, जैसे 1 से तो सब संख्या कटता है, 1 के अलावा वो खुद से कटेगा
और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटेगा तब वो भाज्य संख्या कहलाएगा, इसलिए दो नहीं होगा। तो दो के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, चार के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, छः, छः के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद हो जाएगा बारह, बारह के बाद हो जाएगा चौदह, टोटल कितना होना चाहिए आठ। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और लेना होगा तो चौदह के बाद पंद्रह हो जाएगा। सबका क्या करना है, औसत निकालना है, और औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, औसत बराबर, औसत बराबर योग बटा संख्या, यानी सबसे पहले तो योग करना होगा, तो योग करेंगे हम लोग, तो चार छः दस, दस आठ अठारह, अठारह नौ, सत्ताईस दो उनतीस, उनतीस चार तैतीस, तैतीस पाँच अड़तीस के आठ, तीन अभी बचा हुआ है, तीन एक चार एक पाँच छ सात, कितना हो गया अठहत्तर। ये तो हो गया योग, योग के बाद बटा में संख्या, तो टोटल कितना है आठ है, तो आठ से भाग दीजिए, यानी ये हम लोग का एवरेज आया, किसका औसत किसका आया, पहली आठ भाज्य प्राकृत संख्या का औसत आ गया। अब किसका निकालना है, पहली आठ अभाज्य संख्या का औसत, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या हम लोग का क्या होता है, दो। अब यहाँ वन नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि वन वन के अलावा किसी और से कटता ही नहीं है, जबकि अभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, अभाज्य के लिए खुद से कटना चाहिए और वन से भी कटना चाहिए, तो वन तो सिर्फ वन है ही, तो पहला अभाज्य संख्या हम लोग का क्या होगा, दो होगा, दो के बाद तीन, तीन के बाद हम लोग का अभाज्य संख्या क्या होगा, पांच सात ग्यारह तेरह, तेरह के बाद सत्रह उन्नीस, टोटल कितना लेना है आठ संख्या, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ हो गया हम लोग का, जोड़ लेंगे तो दो तीन पाँच, पाँच दस सात सत्रह, सत्रह एक अठारह, अठारह तीन इक्कीस सात अट्ठाईस, अट्ठाईस नौ, अट्ठाईस नौ, नौ आठ सत्रह सैंतीस के साथ तीन, तीन एक चार पाँच छ सात सतहत्तर, ये तो योग आया, बटा में संख्या तब ना औसत निकलेगा, तो एवरेज कैसे निकलेगा, बटा में संख्या टोटल कितना आठ, तो आठ से भाग दे दिए, यानी कि पहली आठ भाज्य संख्या का माध्य हम लोग का ये हो गया, पहली आठ अभाज्य संख्या का माध्य हम लोग का ये हो गया। अब निकालना है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर बराबर क्या होगा, पहला ये यानी बड़ा में से छोटा घटाना है, जरूरी नहीं किसको किस में से घटाना है, तो अठहत्तर बटा आठ बड़ा है, माइनस हो जाएगा 77/8, दोनों का एलसीएम तो यही होगा, तो अठहत्तर में से 77 चला जाएगा 1/8, यानी दोनों का अंतर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर टी 1/8। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर का औसत इतना है, ए वन बराबर 21 है और ए वन ए टू ए थ्री का औसत ए टू ए थ्री ए फोर के औसत के बराबर है, तो ए फोर का मान क्या होगा, तो क्या बोल रहा है, इतना का औसत इतना के औसत के बराबर है, तो इतना का औसत क्या होगा, तो औसत का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़कर जितना संख्या उससे भाग देंगे, तो इसको जोड़ेंगे, तो ए वन ए टू ए थ्री जोड़ लिए, कितना संख्या को जोड़ा गया, एक दो तीन को जोड़ा गया, तो औसत के लिए क्या करेंगे, तीन से भाग देंगे, जितने लोगों को जोड़ा जाएगा उतना से भाग दे देंगे। अब क्या बोल रहा है, इसका औसत यानी ए टू ए थ्री ए फोर, ए टू ए थ्री प्लस ए फोर, इसका औसत कितना, तो तीन लोगों को जोड़ा गया तो तीन से भाग देंगे तो औसत आएगा, यानी दोनों का तो औसत आ गया, लेकिन औसत क्या है, बराबर है, कर दिए बराबर।
अब तीन से तीन क्या हो जाएगा, खत्म। जब तीन से तीन खत्म हो गया तो इसको आप इस तरह से देखिए कि ये अब आपको दिखना ही नहीं चाहिए, खत्म हो गया तो नहीं दिखना चाहिए। या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लेते हैं इसमें हम लोग, जैसे अब तीन नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, ए वन ए टू ए थ्री, ये ए थ्री है, बराबर ए टू ए थ्री ए फोर। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में सीधे पहले लाइन से ही गैप कर देना है। जैसे ए टू से ए टू गया तो आप क्या कीजिएगा, इसी लाइन में उसको काट लीजिएगा। ए थ्री से ए थ्री गया, क्या बच गया, ए वन, ए वन बचा, यहाँ हो जाएगा ए फोर। तो ए फोर का मान क्या बोला, ए फोर का मान क्या होगा, तो ए वन का मान कितना है, ए वन का मान है 21। यहाँ ए फोर निकालना है तो ए फोर का मान कितना हो गया, ए फोर का मान 21। तो यही तो निकालना था, ए फोर का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 21। यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 21 हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, पहली पांच भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली पांच अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न अभी हम लोग बना चुके हैं, बस वहां आठ था, यहाँ कितना है, पांच है। तो पहला पांच भाज्य संख्या का माध्य निकालेंगे, तो पहला पांच भाज्य संख्या हो कौन, तो पहले देखेंगे पहला पांच भाज्य संख्या, पहला क्या था, चार, चार के बाद छ, आठ, नौ और दस, पांच हो गया, एक दो तीन चार पांच हो गया। औसत के लिए सबसे पहले जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ेंगे चार छः दस, दस आठ अट्ठारह, अट्ठारह नौ कितना हो जाएगा, सत्ताईस, सत्ताईस के साथ दो, दो एक तीन, सैंतीस। टोटल कितना लोग, पांच है, तो पांच से भाग देंगे, ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, पहली पांच अभाज्य संख्या, तो पहली पांच अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा हम लोग का, तो पहला अभाज्य संख्या दो, दो के बाद तीन, पांच, सात, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का ग्यारह, पांच हो गया, एक दो तीन चार पांच हो गया। जोड़ देंगे तो दो तीन पांच, पांच दस, सात सत्रह, सत्रह एक अठारह घात में एक, एक दो अट्ठाईस, कितना, पांच। यानी पहले पांच भाज्य संख्या का औसत ये आ गया और पहले पांच अभाज्य का औसत ये आ गया। क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है। तो दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, बोला ना, दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सैतीस बटा पांच में से अट्ठाईस बटा पांच को घटाएंगे, दोनों का एलसीएम पांच आएगा, सैतीस में से अट्ठाईस जाएगा तो नौ आठ सत्रह, नाइन बचेगा, काट देंगे, पांच एकम पांच, बचा चार, पांच आठे चालीस, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1.8। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1.8। तो यहाँ हम लोग का दो ऑप्शन में हम लोग का टाइप हो गया 1.6, तो किसी एक ऑप्शन को मान लीजिए आप 1.8, तो इसी को मान लेते 1.8, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत टाइप हो गया था। हम लोग का अगला प्रश्न है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत कितना, 100 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, पांच क्रमागत संख्या का औसत ये है ना, पांच क्रमागत संख्या का औसत ये है, इसको हम लोग दोनों तरीके से बना लेते हैं। पहला क्या, पांच क्रमागत संख्या मान लेते हैं, तो सबसे पहले जब भी मानते थे क्या करेंगे, औसत को योग में बदल लेंगे ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत, औसत इंटू संख्या, औसत 100 दिया है, संख्या कितना, टोटल पांच है, तो पांच से गुना करेंगे आ जाएगा 500, योग ये आ गया। अब हम लोग अपना योग निकालेंगे, क्या बोल रहा है,
पांच क्रमागत संख्या, तो पहला यदि x है तो दूसरा x प्लस वन, तीसरा x प्लस टू, चौथा x प्लस थ्री और पांचवा x प्लस फोर। यहाँ क्या निकाले, योग, तो यहाँ भी योग निकालेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच हो गया, प्लस एक दो तीन तीन छः चार दस, योग कितना आ गया इतना, लेकिन बोल रहा है कि 500 आना चाहिए तो बराबर में कर देंगे 500। इसको यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 400 कितना हो जाएगा 90। किसका मान, 5x का मान, 5 नवा 45, कितना बचा यहाँ 4, 5 अठे 40, x का मान 98। बोल क्या रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। तो सबसे छोटी मतलब सबसे पहला वाला संख्या हम लोग का छोटा होगा, तो ये 98 हो गया। सबसे बड़ा संख्या क्या है, लास्ट वाला संख्या बड़ा संख्या है, तो x प्लस फोर का मान, तो x का मान 98 आया, और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, यानी पहला संख्या छोटा संख्या 98, बड़ा संख्या ये, इनके वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर मतलब 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, बराबर में जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, कि बचपन में आप याद कीजिए किए हैं या 9th 10th में भी पढ़ा होगा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी संख्या सेम होता है, एक बार यही ए बी जुट जाता है और एक बार घट जाता है, यहाँ इंटू होता है, यानी यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 102 में 98 जोड़ देंगे, तो पहले जुटेगा कितना आ जाएगा 200, फिर उसके बाद इंटू देंगे, अब 100 में से 98 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 400, बराबर में कितना हो जाएगा, 4 × 8 800, कितना हो जाएगा 800। तो आंसर क्या हो गया, बड़ी और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, ऑप्शन नंबर ए 800। लेकिन इसको इतना लंबा ना करके हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे, औसत कितना दे रहा है 100, औसत का मतलब क्रमागत संख्या है ना, तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या, तो दो संख्या इधर दो संख्या इधर, पांच संख्या है तो बीच में कौन बैठेगा 100, तब तो औसत 100 हुआ क्योंकि लगातार है, तो 100 के बाद का संख्या कितना, तो 101 और 102, इसके पहले का संख्या कितना, एक घटा देंगे 99, फिर एक घटा देंगे 98, यानी सबसे छोटा संख्या क्या आ गया 98, सबसे बड़ा 102, और 102 98 आ गया, तो उसके बाद क्या करना है वो तो हम लोग देख ही लिए हैं, क्या कर लेंगे, सबसे बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर, बराबर में सीधे आगे यहाँ 200 इंटू 4 800, यानी इतना करने का जरूरत नहीं था, सीधे हम लोग का यहाँ आ जाता है।